आए क्या? अभी आए जोड़े से, आ जाओ आगे आ जाओ, आप ही हो मुख्य अतिथि, दोनों आ जाओ दोनों आ जाओ भाभी जी आप आ जाओ। क्या मालूम किसको ढूंढ रहे हैं, साथ में बीवी है तो भी किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस है आपका। शशि भैया का इनको कहते हैं मुख्य अतिथि। इनको पता था कि ढंग का कभी अब शुरू हुआ है। यादव यादव के क्या हंसी उड़ा रहे हैं बताओ, ये पंडित हैं, कितने विद्वान आदमी हैं, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। अब इसको ये पता नहीं कि सृष्टि का पहला कवि ही यादव था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए थे कुरुक्षेत्र में। मिश्रा जी सुनाने वाले कृष्ण थे और सुनने वाला अर्जुन था, एक कवि और एक श्रोता। पूरी सुनाने के बाद अर्जुन ने हथियार उठाए, उसने कहा इससे लड़ के मरना ज्यादा ठीक है। तालियों ठाके वाली बात ये नहीं थी जिसपे तुमने बजा दी। दूसरे दिन भीम ने अर्जुन से पूछा जी। कि क्यों वो सुना रहे थे, तो मुंडी हिला रहे थे, सब समझ में आ रही थी। तो अर्जुन ने कहा नहीं, तो बोले पूछा क्यों नहीं, बोले पूछता तो वो फिर से भी सुना सकते। जिंदाबाद भाई साहब, कमाल। क्योंकि उनको तो कंठस्थ थी। अब सही जगह ताली नहीं बजाओगे तो फिर मैं फिर से भी पहला कवि लगा सकता हूँ। प्रेम की कविता पढ़ रही थी हमारी मर्णिका, कुछ बच्चे हा हा हू कर रहे थे। बेटा तू जो प्रेम की बात कर रही है इससे ऊपर निकल गए हैं, ये प्रेम में अध्यात्म खोज रहे हैं, ये तो महामंडलेश्वर हो चुके हैं इसमें से कई लोग। वो आती रही मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे, वो एक दिन नहीं आई अपन रविवार समझ बैठे। इनके लिए प्यार वही है जैसे धोया भिगोया और हो गया। कमाल। मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेनसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पड़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। वाह 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 वाह। तुमको क्या लगा कि हम परमानेंट बुड्ढे ही पैदा हुए थे? अच्छा है। अरे हम भी कॉलेज गए हैं। हाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, नहीं तो क्या कविता सुना रहे होते, क्या नीचे बैठ के सुन रहे होते। ये जो आजकल डिजिटल प्यार हो गया है, मोदी जी ने हर काम डिजिटल कर दिया है। कोरोना हमारा क्या बिगाड़ता, अभी कोरोना में ऑनलाइन क्लास चल रही है। मेरा 10 साल का बेटा मैडम पढ़ा रही केंद्रीय विद्यालय से, बड़ी भद्र महिला बेचारी, वो पढ़ा रही 1 घंटे तक, उसने नॉन स्टॉप पढ़ाया, पसीना पसीना आ गया। आखिरी में उसने पूछा एनी डाउट, तो वो 60 बच्चों की क्लास में मेरा छोरा बोला, क्योंकि बेटा मेरा था, उसको डाउट आया। कुलपति साहब आप देखना शिक्षकों की क्या परेशानी इन बिचारों की, ये तो कह नहीं पाते कई लोग तो आपसे। वो मैडम ने जैसे ही पूछा कि एनी डाउट, तो मेरा बेटा बोला मैडम वो जो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के आपको चाय देने आया था वो आपका पति है क्या? क्या करें मैडम, बहुत अच्छा। हमारे पड़ोस में 3 घर छोड़ के एक बच्चा स्कूल से आया पढ़ के, जब लॉकडाउन ने लगा था उसके पे, इधर बस्ता इधर जूते, और वो उसने टीवी चालू करी और पोगो लगाने, तो दादी बेचारी सब्जी छिल रही थी मेथी ठंड में धूप सेकते हुए, तो दादी ने कहा क्या हमेशा टीवी देखते, कभी हमसे बात ही कर लो। तो बच्चे ने कहा लाओ आज दादी तुमसे बात ही कर लेते हैं, और बच्चे ने बातचीत शुरू कर, बोले दादी अपन इस घर में 6 लोग कब तक रहेंगे। कमाल है।
दादी ने कहा कौन छे? बोले पापा, मम्मी, मैं, मेरी बहन और ये बिल्ली और आप। तो दादी ने कहा बेटा कल तुम्हारे पापा सीखेंगे तो डॉगी ले आएंगे तो अपन साथ हो जाएंगे। तो बच्चे ने प्रश्न फंसाया क्योंकि वो स्पीड से पढ़ के गया था महात्मा गांधी जी की। उसने कहा वो कुत्ता तो इस बिल्ली को खा जाएगा, फिर छे अपन तो फिर छे ही ले जाएंगे। तो दादी ने कहा बेटा तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी कर देंगे, अपन फिर साथ हो जाएंगे। बोले फिर छोटी बहन की शादी हो जाएगी, अपन तो फिर छे ही रह जाएंगे। तो आखिरी में दादी ने ब्रह्मास्त्र निकाला। दादी ने बोला बेटा फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। तो बोले फिर दादी तुम मर जाओगे। दादी ने कहा जा तू टीवी देख। अब तुम ताली बजाओगे कि मैं उंगली यहीं रखूं? अगर ये मोबाइल का अगर प्यार सफल हो जाए और घर में दो तीन बच्चे हो जाए तो फिर हमारे घर के सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कोई नहीं बताता, हम बता रहे हैं। कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी समझाता, जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है। मैं तो रस रंग की बहार समझाता गोरी, जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। अब पत्नी जवाब दे रही है कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी समझाता, जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है। मैं तो रस रंग की बहार समझाता गोरी, जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। तो ताऊ खा के बोली मेरी तन वीना छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है। और घर में जो तीन पांडुलिपि दंड पेल रही, इनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया। जिंदाबाद भाई साहब, जय हो। बात तो कमाल है, कमाल। और एक दावा मैं करने जा रहा हूँ, 72 साल में इस देश में कुछ हुआ हो ना हुआ, जो हुआ है वो बताने जा रहा हूँ कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। कमाल। आहा मत करो, हिंदी साहित्य में दो शब्द हैं, एक अबला और एक सबला। ये जितने प्रोफेसर यहाँ नौकरी कर रहे हैं मंच पे बैठे हैं, ये फोटोग्राफर, जितने लोग नौकरी कर रहे हैं इन सबको 30 दिन में एक तनख्वाह मिलती है। तो भाभी जी इंतजार करती कि अबला क्या अंतर निकाला। और हम कभी ये पुलिस वाले ये नेता, हम सब की पत्नियां सबला होती, हम ठोक बजा के जो घर ले जाते तो वो दरवाजे पे खड़ी होती कहती सबला। अब छंद सुनना, और छंद के लालित पे अगर आनंद आए तो फिर मैं एक एक श्रोता के आनंद की तालियां चाहता हूँ। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है, वो शोक में अशोक जी व सुंदरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के आए, 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 भाई साहब जिंदाबाद, वाह बात है, वाह 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 तो सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम सदा ही बजाना है। अच्छा। भले ही किसी विभाग का अध्यक्ष हो जाओ, ये अच्छा है, कुछ भी हो जाओ दुनिया में, वो समझदार है जिन्होंने नी रखी है घर में। क्योंकि हम बाहरी विवेकानंद हैं, जैसे ही घर में घुसते हैं तो पत्नी एक ही बात कहती, तेरे में अक्कल नहीं, और अपन झट मुंडी हिलाकर स्वीकार कर। क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपन में जरा भी अक्कल होती तो इससे ब्याह कर। कि सारे पतिया से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम सदा ही बजाना है, नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम इनके ही गाना है, वो दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। देखो इससे भी ताली बजा रहे। कुलपति साहब, पति कितना भोला होता है बताइए।
जो अपनी मूर्खता पे सार्वजनिक रूप से ताली बजा रहा है। मूर्खता पे जिंदाबाद भाई साहब। ये डॉक्टर अनिल चौबे को आपने अच्छा करा संयोजक बनाया। ये इतना विद्वान आदमी है लेकिन वो हमारी बहू इससे ज्यादा विद्वान है। अभी हम तो चाय पीने ही नहीं पहुंचे उसके पहले ही घर में महाभारत शुरू हो गई। तो बहू ने कहा कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो भगवान मुझे अभी विधवा कर दे। और अगर आप गलती हो रहे हैं भगवान अभी आपको उठा ले। इस भोले ब्राह्मण को बहुत देर बाद मालूम पड़ा कि दोनों कंडीशन में मेरे ही फोटो पे हार टंगेगा। और भैया मेरी 20 साल की गृहस्थी है भाभी जी, मेरा तो ये अनुभव है कि अगर ये दुष्विचार मन में आए भी, आप जो दोनों बाद में आए हो ना, आप ध्यान से सुनना भाई साहब, ये ज्ञान तुमको कहीं नहीं मिलता पूरी दुनिया में जो मैं देने जा रहा हूँ। कभी दुर्भाग्य से भी ये विचार मन में आए कि पत्नी से आगे निकलना है, वहीं छोड़ देना, गंगा जी में तुरंत स्नान करना, क्योंकि हिंदुस्तान में संभव नहीं है। क्योंकि ये हमारे घर की माता बहन है, पहली रोटी बनाती गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। ये हेमंत पांडे रात में 2 बजे कविता सुना के कानपुर महानगर में रहता है, जैसे ही घर पहुंचता है तो वो दोनों रोटी इसी को गर्म करके क्या था? दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है, और दो पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। दो पल की देरी है।